बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तहसीन्स डेली कुकिंग व्लॉग्स। आज हम बहुत ही शानदार ठंडा ठंडा मीठा और रिफ्रेशिंग ड्रिंक बना के तैयार करेंगे। गर्मी के लिहाज से ये जो ड्रिंक है ये बहुत ही बेस्ट है। इसको हमने वाटरमेलन के साथ बना के तैयार किया है और इसके अलावा इसमें हमने जिन चीज़ों का यूज़ किया है वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। तरबूज का जूस आपने बहुत मरतबा पिया होगा, लेकिन इस तरीके से ये चीज़ें डाल के जब पियेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं बहुत ही शानदार रिफ्रेशिंग ठंडा ठंडा ड्रिंक। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, जो कि बिल्कुल फ्री है। जूस बनाने के लिए हम लेंगे वाटरमेलन और सबसे पहले इसकी हमने करनी है कटिंग। स्मॉल पीसेस इसके बना के तैयार कर लेंगे। इस तरीके से आपको जूस बनाने में इजी रहेगा और इसके जो स्किन है इसको भी आपने वेस्ट नहीं करना है। इसके साथ आप बहुत सी चीज़ें बना के तैयार कर सकते हैं, स्पेशली टूटी फ्रूटीज इससे बनती हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख के तो इसके साथ टूटी फ्रूटीज ईजीली बना के तैयार कर सकते हैं। तरबूज का जूस बहुत ही फ़ायदेमंद जूस है, जिसका इंटेक आप गर्मी के मौसम में करेंगे तो आपको इससे ठंडक का एक एहसास मिलेगा। और ख़ाली तरबूज का आप जूस नहीं बनाएंगे, इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे तो आपका जूस बहुत ही शानदार बनेगा। और चीज़ें इसमें हम ऐसी आज यूज़ कर रहे हैं जिसके साथ हमें बहुत ही फ़ायदा हासिल होने वाला है। सबसे पहले तरबूज जो है इसके पीसेज हम डाल देंगे ब्लेंडिंग जार में, और जब सब पीसेज इसके डाल देंगे तो फिर इसके बाद इसमें हम बाकी चीज़ों को ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं जिंजर डाल रही हूँ, अदरक जो मैंने एक इंच का पीस लिया था स्मॉल पीसेज में कट करके डाल दिए। अब इसमें डालेंगे मिंट यानी कि पुदीना, इसके मैंने 15-20 पत्ते जो हैं ये डाल दिए हैं। इसके साथ हाजमा बहुत दुरुस्त रहता है और इसके जायके को बढ़ाने के लिए मैंने इसमें रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल किया जो मैंने 1/2 कप डाला है, और ब्लैक सॉल्ट काला नमक तो बहुत ही शानदार इसको जायकेदार बनाएगा। अब तरबूज जो है इसका अपना ही इतना पानी होता है कि इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे और इसको हमने ब्लेंड करना स्टार्ट कर देना है। सारे जो पीसेज हैं इसके मिक्स करेंगे, थोड़ी देर बाद आपने इसको इस तरीके से ऊपर नीचे करना है पीसेस को ताकि ईजिली ये मिक्स हो जाए पानी, क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। अब जूस देखिए हमारा बनना शुरू हो गया है, वाटरमेलन जूस बहुत ही लाजवाब बहुत ही शानदार। इसको हमने इतना मिक्स करना है कि जो हमने इसमें मिंट और जिंजर डाला था ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाएं, क्योंकि हम इसको स्ट्रेन नहीं करेंगे, इसी तरह पियेंगे। इसी तरीके से जब आप पियेंगे तो आपको ज़्यादा इसके फ़ायदे हासिल होंगे। अब सब चीज़ें इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं तो इसको अब हम डालेंगे ग्लासेस में। तो ग्लास मैंने लिए हैं और ग्लासेस में आपने जब डालना है तो आपने तरबूज के स्मॉल पीसेस करके इसमें डालने हैं इस तरीके से जैसे मैंने डाले हैं। तो फिर आप जब इसको पियेंगे और 7 पीसेस खाएंगे तरबूज के तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इतने गर्मी के मौसम में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी और मज़ेदार सा ठंडा ठंडा और मीठा मीठा जो ये जूस है ये बना के तैयार करें। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएँ कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।